का स्टोरी मून शिनचैन और मिक्की माउस के कुछ ऐसे एपिसोड और मूवीज भी हैं जो सच में काफी ज्यादा हॉरर एंड मिस्टीरियस हैं। एंड गाइस, ये एपिसोड इतने ज्यादा हॉरर एंड मिस्टीरियस थे कि इन्हें बैन तक करना पड़ गया था। तो गाइस, आज की वीडियो इन तीन शो के ऊपर होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं डोरेमोन की मूवी द रोबोट वॉर की। गाइस, ये मूवी हॉरर तो नहीं है बट इसे बैन कर दिया गया था एंड इसका रीजन आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। गाइस, ये मूवी 12 फरवरी 1983 को ताइवान में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन हर बार की तरह आराम कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि शहर में एक रोबोट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें दुनिया भर के रोबोट एंड साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करने आए हैं। एंड ये कॉम्पिटिशन की खबर सुन के नोबिता काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो डोरेमोन को भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। एंड डोरेमोन हर बार की तरह नोबिता की इस जीत को भी मान जाता है। एंड फिर वो दोनों कंपटीशन वाली जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे रोबोट हिस्सा लेने आए थे। एंड फिर वो सभी रोबोट अपनी परफॉर्मेंस देने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डोरेमोन भी अपनी परफॉर्मेंस देता है एंड डोरेमोन के पास बहुत सारे एडवांस गैजेट होते हैं जिससे वो जजेस काफी ज्यादा डोरेमोन से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो डोरेमोन को विनर घोषित कर देते हैं। लेकिन डोरेमोन की इस जीत से एक साइंटिस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि इस कंपटीशन में उसका रोबोट ही विनर होगा। पर इस कंपटीशन में उसका रोबोट काफी बुरी तरीके से हार जाता है एंड इसलिए वो डोरेमोन से काफी चिढ़ने लगता है और डोरेमोन से बदला लेने के लिए वो एक प्लान बनाता है और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो एक बहुत बड़ा रोबोट बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ डोरेमोन ताइवान में काफी पॉपुलर होने लगता है एंड वहाँ डोरेमोन को काफी फेम मिलने लगता है जिसकी वजह से डोरेमोन नोबिता के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था। और डोरेमोन की इसी पॉपुलैरिटी को देखकर नोबिता को भी डोरेमोन से जेलस फील होने लगती है, इसलिए वो डोरेमोन की एक गैजेट की मदद से अपने और डोरेमोन की जगह आपस में बदल लेता है ताकि वो भी एक सेलिब्रिटी की तरह फील कर सके। यानी अब नोबिता के शरीर में डोरेमोन और डोरेमोन के शरीर में नोबिता होता है। लेकिन नोबिता को ये नहीं पता था कि इस बार उसकी स्मार्टनेस उस पर भारी पड़ेगी। और जब नोबिता डोरेमोन के शरीर के साथ बाहर घूम रहा था कि तभी वहीं वो साइंटिस्ट आ जाता है और वो नोबिता को डोरेमोन समझकर उसको किडनैप कर लेता है। एंड ये बात जब डोरेमोन को पता चलती है तो वो काफी डर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट अपने रोबोट के साथ पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। लेकिन सही टाइम पर डोरेमोन और उसके फ्रेंड उस रोबोट की कमजोरी पता लगा लेते हैं और वो कमजोरी होती है कि वो रोबोट एक खास तरह के पत्थर से काफी डरता है, जैसे हमारा डोरेमोन एक चूहे से डरता है। और वो सभी उस पत्थर को ढूंढ कर उस रोबोट को हरा देते हैं एंड डोरेमोन इस तरह पूरे शहर को बचा लेता है। गाइस, ये मूवी सिर्फ ताइवान में रिलीज हुई थी और थिएटर में इस मूवी का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं था, इसलिए इस मूवी को बैन कर दिया। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हैरी को उनकी कंपनी की तरफ से फैमिली ट्रिप के लिए इनवाइट किया जाता है और हैरी अपनी फैमिली को लेकर गाड़ी में ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। फिर हैरी अपनी गाड़ी में लगे जीपीएस की मदद से उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हैरी जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी एक पहाड़ी के बीच में खड़ी है और आसपास की जगह पूरी सुनसान है। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है और उनको लगता है कि शायद यही उनका होटल है जहां उन्हें आता है। एंड वो उस घर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस घर का गेट पहले से ही खुला हुआ है और हैरानी की बात तो ये होती है कि उस घर के अंदर कोई भी नहीं होता। फिर हैरी अपने ऑफिस में फोन करने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर फोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते। फिर नोहारा फैमिली उस घर के अंदर जाने लगती है। इसके बाद मिट्सी, शिनचैन और हिमावारी एक कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर कुछ पुरानी डॉल्स रखी होती है और हिमावारी को वो डॉल्स काफी पसंद आती है। इसके बाद मिट्सी खाना बनाने के लिए किचन में जाती है लेकिन जब वो फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पुडिंग के अलावा और कुछ नहीं है। फिर उन्हें पुडिंग से काम चलाना पड़ता है। फिर नोहारा फैमिली देखती है कि हिमावारी वहाँ पर नहीं है। फिर शिनचैन हिमावारी को ढूंढने लगता है। फिर शिनचैन और उसकी मोम देखती है कि हिमावारी एक कमरे में किसी से बात कर रही है पर शिनचैन की मोम को लगता है कि हिमावारी खेल रही है और वो हिमावारी को वहाँ से लेकर चली जाती है। एंड तभी हमें पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। फिर स्क्रीन चेंज होती है और हमें दिखाया जाता है कि नोहारा फैमिली रात में सो रही होती है। तभी अचानक से मिट्सी को काफी गर्मी लगने लगती है
और जब मिट्सी की नींद खुलती है तो मिट्सी देखती है कि वो डॉल उसके साइड में रखी होती है। फिर मिट्सी देखती है कि वहाँ पर हिमावारी नहीं होती और वो सभी हिमावारी को ढूंढने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद उन्हें हिमावारी मिलती है और हिमावारी उसी डॉल के साथ खेल रही होती है और मिट्सी हिमावारी को लेकर वहाँ से चली जाती है। एंड शिनचैन देखता है कि वो डॉल अपने आप ही एक पर्दे के पीछे चली गई है। ये देखकर शिनचैन के होश उड़ जाते हैं। एंड फिर स्क्रीन चेंज होती है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एंड नोहारा फैमिली उस घर से जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी मिट्सी की नजर एक दीवार पर पड़ती है जिस पर कुछ अजीब शब्द लिखे होते हैं। पर मिट्सी को लगता है कि वो शब्द शिनचैन ने लिखे होंगे, लेकिन शिनचैन अपनी मॉम को बताता है कि वो शब्द उसने नहीं लिखे। एंड जब नोहारा फैमिली उस घर से जा रही होती है कि तभी कावागुची का फोन आता है और वो हैरी से कहते हैं कि आप कल रात को होटल में क्यों नहीं आए। ये सुनकर नोहारा फैमिली काफी चौंक जाती है क्योंकि वो किसी रॉन्ग होटल में रुके थे। गाइस मिक्की माउस का ये एपिसोड काफी पुराना है एंड ये एपिसोड इतना पुराना है कि इसकी स्क्रीन भी ब्लैक एंड व्हाइट है। दरअसल इस एपिसोड की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी थी कि मिक्की माउस के फ्रेंड कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं और मिक्की माउस की गर्लफ्रेंड भी उसे चीट करती है एंड मिक्की माउस काफी अकेला हो जाता है और उसकी लाइफ में जीने का कोई मकसद नहीं बचता और वो सैड होकर एक सुनसान सड़क पर चलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ता है इस एपिसोड में हमें काफी ज्यादा क्रीपी सीन्स देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ एक मिस्टीरियस सा साउंड आने लगता है जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो या फिर कोई डेविल हंस रहा हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिक्की माउस पहले सैड था अब उसके फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल थी और कुछ टाइम बाद वो मिक्की माउस काफी ज्यादा डरावना दिखने लगता है। एंड गाइस इस एपिसोड को हॉरर इसलिए माना जाता है क्योंकि काफी लोगों का मानना था कि इस एपिसोड को एंड तक देखने के बाद काफी सारे लोगों ने सुसाइड की थी। और गाइस इस एपिसोड का नाम था मिक्की द मर्डरर। गाइस अगर आपको याली वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपको याली वीडियो कैसी लगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।